सबसे पहले एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरे चैनल के साथ रिलीजन का कोई भी लेना देना नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही चीप मेंटेलिटी के लोग, और वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी है, लाखों लोग उनके कंटेंट देखते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीजन को थोड़ा सा इन्वॉल्व करके साइंटिफिक फैक्ट्स, जिसमें पेरियोन्टोलॉजी भी शामिल है, साइंटिफिक फैक्ट्स को ऐसे ट्विस्ट करते हैं और ऐसे क्लेम्स करते हैं जिसका कोई भी लॉजिक भी नहीं है और जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, मगर लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उन पर शक नहीं करते, क्योंकि ये क्लेम्स में रिलीजन इन्वॉल्व होता है। साइंटिफिक फैक्ट्स को ऐसे ट्विस्ट करके लोगों को गलत दिशा में लीड करना, लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे शायद आपको पता होगा, क्रिएशनिस्ट लोग होते हैं, वो क्रिएशनिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसको मान के जितना भी साइंटिफिक एविडेंस है उस पर थूक देते हैं बिल्कुल। और हमारे देश में भी ऐसा स्यूडो साइंस फैलाने वाला लोगों की कोई कमी नहीं है। आज हम ऐसे ही कुछ क्लेम्स देखेंगे और उनको डिबंक भी करेंगे। हम एविडेंस देखेंगे, साइंस क्या कहता है, एविडेंस क्या है, और हम लॉजिक से सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में बावका मंदिर नाम का एक शिव मंदिर है। यह टेंपल 13th सेंचुरी के शुरू शुरू में बनाया गया था। कोई ऐसा यूट्यूबर है जो बिल्कुल एक इडियट है और स्यूडो साइंस फैलाता है, वो खुद को महाज्ञानी मानता है, वो इस मंदिर के एक स्कल्पचर जो कुछ ऐसा दिखता है, इस स्कल्पचर को दिखाकर, इस मूर्ति को दिखाकर ये कह रहे हैं कि इस हाथी के बगल में जो जानवर दो पैरों पर खड़ा है ये एक डायनासोर है, और कोई ऐसा वैसा डायनासोर नहीं, उनका ये दावा है कि ये एक टिरानोसॉरस रेक्स की तरह दिखता है। जी हाँ, टिरानोसॉरस रेक्स की तरह दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम। मूर्ति को अगर आप गौर से देखेंगे तो साफ साफ दिखता है कि जिस जानवर के बारे में जिक्र हो रहा है उस जानवर के पैरों में खूर है, हूब्स है, और टीरेक्स के पैर में तो हूब्स होते थे। उस इडियट यूट्यूबर का यह कहना है कि क्योंकि यहाँ पर यह जानवर हाथी से ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसका मतलब ये डायनासोर ही हो सकता है और कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपके रेफरेंस के लिए राजस्थान के समिधेश्वरा टेम्पल का ये स्कल्पचर दिखाता हूँ। इसमें तो घोड़ा हाथी के साइज का बराबर है, तो इसका मतलब ये ही है कि ये कोई असली घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि असली घोड़े तो हाथी के बराबर नहीं होते, तो ये शायद कोई प्री हिस्टोरिक घोड़ा होगा जो हाथी के बराबर जितना लंबा था, या फिर ये हाथी कोई प्री हिस्टोरिक हाथी होगा जो मॉडर्न हाथी से छोटे होते थे, है ना? जी बिल्कुल नहीं। मंदिरों में जो स्कल्पचर्स होते हैं वो हमेशा किसी स्केल के मुताबिक नहीं होते। ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल में ये जो मूर्ति है, यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ लायन एलिफेंट से कितना ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कोई प्री हिस्टोरिक लायन है जो मॉडर्न डे एलिफेंट से बड़े होते थे। भारत में हाथी और घोड़े दोनों जानवर ही युद्ध में इस्तेमाल होते थे, और यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो ऐसे ही एक सीन को डिपिक्ट कर रहा है, जहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये हाथी और ये घोड़ा युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। और इस जानवर को गौर से देखिए, इसका मुंह भी एक घोड़े की तरह ही दिखता है, और उस इडियट यूट्यूबर को ये भी नहीं पता कि घोड़े भी कभी कभी दो पैरों पर खड़े होते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ये मंदिर कोई लाखों साल पहले बनाया नहीं गया था, और प्राचीन भारत में टिरानोसॉरस रेक्स भी घूमता फिरता नहीं था। कर्नाटका के हम्पी में है विट्ठल टेम्पल। इस टेम्पल का तस्वीर आपने इतिहास के किताबों में बहुत बार देखे होंगे।
15th सेंचुरी में बनाया गया इस टेंपल का आर्किटेक्चर बहुत ही लाजवाब है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टेंपल के बारे में भी अजीब अजीब से दावा करते हैं, जैसे कि इस टेंपल में ऐसा एक जानवर का स्कल्पचर है। ये कौन सा जानवर है किसी भी बच्चे को भी पूछिए तो वो बच्चा भी बता देगा कि ये एक कैमल का स्कल्पचर है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई कैमल का नहीं बल्कि एक डायनासोर का स्कल्पचर है। उनका दावा है कि ये कोई लंबे गर्दन वाला चार पैरों पर चलने वाला सॉरोपॉड डायनासोर है। तो चलिए इसे थोड़ा सा गौर से देखते हैं। सबसे पहले तो सॉरोपॉड डायनासोर्स अपने गर्दन को ऐसे मुड़कर एस शेप में नहीं रख सकते थे। इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। सॉरोपॉड्स के जो गर्दन होते हैं उनका बोन स्ट्रक्चर स्टडी किया गया है और बायोमैकेनिकल स्टडीज की मदद से ये प्रमाणित फैक्ट और एविडेंस है कि सॉरोपॉड डायनासोर्स अपने गर्दन को ऐसे मुड़ नहीं सकते थे, चाहे वो अपना गर्दन वर्टिकल रखते हो या फिर ज़मीन के पास हॉरिजॉन्टल पोज में रखते हो, पर वो अपना गर्दन ऐसे मुड़ नहीं सकते थे। फिर आप देखिए इस जो ये जो स्कल्पचर है उस जानवर के पूंछ को देखिए। सॉरोपॉड डायनासोर्स के पूंछ काफ़ी लंबे होते थे। हाँ, कुछ फैमिली के सॉरोपॉड्स हैं जिनके पूंछ गर्दन के मुताबिक छोटे होते थे, पर ऐसा इतना छोटा भी नहीं होता था। ये क्लियरली एक ऊंट जैसा पूंछ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर में जो जानवर है उसके पीठ पर बिल्कुल ऊंट की तरह एक हम्प है जो किसी भी फैमिली के सॉरोपॉड डायनासोर्स के पास नहीं होते थे। ये डेफिनेटली एक ऊंट है, कोई सॉरोपॉड डायनासोर नहीं। अगर आपके मन में आप भी शक है या फिर लगता है कि ये स्कल्पचर एक सॉरोपॉड डायनासोर का ही है, तो चलिए इस स्कल्पचर के जानवर को सॉरोपॉड डायनासोर्स के सारे फैमिलीज के बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट रिकंस्ट्रक्शन के साथ कंपेयर करके देखा जाए। और ये रहा लेफ्ट साइड में विट्ठला टेंपल का वो स्कल्पचर और राइट साइड में मध्य प्रदेश के खाजुराहो टेंपल का एक कैमल का स्कल्पचर। कंबोडिया में ताप्रोम नाम का एक बुद्धिस्ट मंदिर है। ये मंदिर 1186 एडी में बनाया गया था। 800 साल के आसपास पुराने इस मंदिर को जंगल ने धीरे धीरे और बहुत खूबसूरत तरीके से घेर लिया है। इस मंदिर के एक पोर्शन में कुछ पिलर्स है जिन पर कुछ जानवरों का मूर्ति बना हुआ है, जैसे कि बंदर, पक्षी या भैंस। इनमें से एक जानवर एक पिलर पर बना हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि ये एक स्टेगोसॉरस की मूर्ति है। उनके मुताबिक जानवर के पीछे जो गोल गोल चीजें है वो कुछ और नहीं बल्कि स्टेगोसॉरस के पीठ के प्लेट्स है और स्टेगोसॉरस जैसा ही उनका लंबा पूंछ भी है। तो क्या ये सच में स्टेगोसॉरस की मूर्ति है? अगर आपको स्टेगोसॉरस के एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्लेम्स बिल्कुल गलत है। स्टेगोसॉरस का एक अहम कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके पूंछ में बड़े बड़े स्पाइक्स जो इस मूर्ति में कहीं नहीं दिख रहे हैं। The carving does not show a spiked tail. This argument really shows their desperation because this does not have to be the exact dinosaur species. Variations. Paleontologists agree that they will keep discovering new species. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? स्टेगोसॉरस के जितने स्पीशीज आविष्कार हुए हैं, उन सभी के पूंछ में स्पाइक्स है। इनफैक्ट ये टेल स्पाइक्स स्टेगोसॉर फैमिली को अलग से क्लासिफाई करने का एक वजह भी है। इसीलिए स्पाइक्ड पूंछ के बिना कोई स्टेगोसॉर का स्पीशीज हो ही नहीं सकता।
और फिर फॉसिल एविडेंस से ये साफ साफ पता चलता है कि स्टेगोसॉर्स के पूंछ शरीर के साथ स्ट्रेट लाइन में रहते थे, ऐसे नीचे की तरफ झूलता हुआ नहीं। सारे स्पीशीज के स्टेगोसॉर्स के सर अपने शरीर के मुताबिक बहुत छोटा होता है, और इस कल्चर को देखिए, इस जानवर का सर कितना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा स्कल्पचर के इस जानवर के पास साफ साफ दिखने वाले स्तनपाई जैसा बाहर में दो कान हैं, जो किसी भी डायनासोर के पास नहीं होते थे। उनके पास सिर्फ कान के छेद होते थे। पर उन प्लेट्स का क्या? यहीं पर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग फैक्ट्स को छुपाते हैं। वो आपको उसी पिलर के दूसरे कार्विंग्स नहीं दिखाते। सारे कार्विंग्स में सामने एक प्राणी है और बैकग्राउंड में कुछ फूल पत्ते हैं। इस स्कल्पचर में भी एनिमल के बैकग्राउंड में वो पत्ते या फूल ही है जो इन लोगों ने गलत इंटरप्रेट करके जानवर का कोई बॉडी पार्ट समझ रखा है। तो फिर ये एनिमल है क्या? ये समझने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना है। ताप्रॉम के 1 किलोमीटर के अंदर ही है अंकुरवाट का फेमस मंदिर, जहां पर गेंडा यानी कि राइनोस के कार्विंग है। और ताप्रॉम के इस जानवर का सर राइनोस से काफी मिलता जुलता भी है। जिस समय ये मंदिर बना था उस समय कंबोडिया में डावान राइनोसरस मिलते थे। ये राइनो के उस स्पीशीज का स्कल्पचर भी हो सकता है। क्या कहा? वो बैकग्राउंड में फूल पत्ते नहीं है, वो उस जानवर के शरीर का ही कोई पार्ट है। ठीक है, तो अगर वो जानवर के शरीर का ही पार्ट है तो वो स्कल्पचर ऐसे लिजर्ड्स के भी हो सकते हैं। ये लिजर्ड्स भी उसी समय कंबोडिया में रहते थे। जो भी एनिमल का स्कल्पचर वो है, स्टेगोसॉरस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके दो वजह हैं। पहली वजह तो ये कि डायनासोर्स इस पृथ्वी से 6.6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस पृथ्वी के हर कॉन्टिनेंट में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं, और एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर 6.6 करोड़ साल पहले के जो रॉक्स है, मतलब क्रिटेशियस पीरियड के अंत के जो रॉक्स है, उसके बाद के रॉक्स में डायनासोर्स के फॉसिल्स आज तक कहीं भी नहीं मिले हैं। हम डेफिनेटली विद प्रूफ ये कह सकते हैं कि क्रिटेशियस पीरियड के अंत में सारे डायनासोर विलुप्त हो गए, और ये स्टेगोसॉरस तो क्रिटेशियस पीरियड के शुरू होने से पहले ही विलुप्त हो गया था, जुरासिक पीरियड के अंत में। क्रिटेशियस पीरियड में कोई स्टेगोसॉरस इस पृथ्वी पर ही नहीं रहता था। और वैसे भी स्टेगोसॉरस के फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाए गए हैं, कंबोडिया में नहीं। और दूसरी वजह जो है, आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए। आज से करीब 800-900 साल पहले अगर कंबोडिया में लोग स्टेगोसॉरस या दूसरे डायनासोर जैसे स्पेक्टेकुलर और अमेजिंग जानवरों के साथ रहते थे, तो उन्होंने उनका जिक्र सिर्फ एक मंदिर के एक पिलर के एक छोटे से कार्विंग में किया। कोई ऐसा दूसरा स्कल्पचर कहीं से भी नहीं मिला है, कोई राइटिंग्स नहीं है, कोई पेंटिंग्स नहीं है, सिर्फ वो एक छोटा सा मूर्ति उन्होंने बनाया। हमारे आसपास आज जो जानवर रहते हैं, हम उनके कितने फोटोज लेते हैं इंटरनेट में, आपको कितने सारे वाइल्ड लाइफ के फोटोज मिल जाएंगे, कितने सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं इस दुनिया में, पेंटिंग्स है, जानवरों के स्कल्पचर्स है, बहुत कुछ है। तो सोचिए अगर आज डायनासोर जिंदा होते, नॉन एवियन डायनासोर जिंदा होते, तो सोचिए उनके कितने सारे फोटोज हम लेते, उन कितने सारे पेंटिंग्स होते, कितने सारे स्कल्पचर्स मूर्तियां होते। स्वयं विचार कीजिएगा। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे झूठे इंफॉर्मेशन फैलाने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, और उनके सपोर्टर्स का संख्या और भी ज्यादा है। ये देखकर अजीब लगता है कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिलीजन इन्वॉल्व हो गया है, इसीलिए लोग सारा एविडेंस, सारा प्रमाण, अपने ब्रेन में जो सारा लॉजिक है उन सबको बस फेंक देते हैं और ब्लाइंडली
इन झूठे लोगों के बात में विश्वास भी कर लेते हैं और इनको ग्लोरीफाई भी करते हैं। आप जो लोग इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मेरा यही विनती है कि आप ऐसे झूठे क्लेम्स को सपोर्ट मत कीजिए। ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन आपको जहां भी दिखे उसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कीजिए और इस वीडियो को प्लीज प्लीज शेयर कीजिए ताकि ये बात मैं और लोगों के पास पहुंचा सकूं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और प्लीज शेयर कीजिए लोगों को और बताइए ताकि लोगों के मन में थोड़ा लॉजिक आए और वो साइंस में थोड़ा विश्वास करना सीखे। वो सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, वो अगर लोगों के पास कॉमन सेंस है, विचार करने का अगर क्षमता है लोगों के पास, तो उनको एविडेंस, साइंस ने जो एविडेंस गैदर किया है उस एविडेंस को देखकर ही वो एक कंक्लूशन पर पहुंच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, बस यही मैसेज मैं देना चाहता हूं। इसीलिए शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले, बाय।